Hello students, good morning. Today we are discussing geography's first chapter, resources and development. What is resources? Resources kya hote hain? Everything in our environment which can be used to satisfy our needs and is technologically accessible and culturally acceptable is termed as resources. Aisi pratyek vastu yani environment mein हर एक वो वस्तु जो हमारी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाइड करती है, टेक्नोलॉजिकली वो असेसिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, इस टर्म्स रिसोर्सेज. यानी हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं, वो हमारे टेबल्स होते हैं, हमारे घर के जितने भी लग्जीरियस सामान हैं, यानी जो भी हम अपने कंफर्टेबल के लिए यूज कर रहे हैं जिन चीजों को, वो सब क्या है? रिसोर्सेज हैं. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक एंड अबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉजिटिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल्स, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिसोर्सेज. नाउ आई एम स्टार्टिंग टू एक्सप्लेन इट वन बाय वन. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे कितने हैं? बायोटिक और अबायोटिक. ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति. Biotic resources are obtained from the biosphere and have life. ऐसे resources जो जिनमें life है वो क्या है? Biotic resources हैं, जैसे human beings हैं, flora fauna है, fisheries है, live stock हैं, ये सब क्या है? Biotic resources हैं. Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. रॉक्स एंड मेटल्स, वो सारी चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी जिनमें जीवन नहीं है, वो सब क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज हैं. जैसे रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, और भी कोई जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारे अबायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉजिटिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज ए रिसोर्सेज विच कैन बी यूज रिपीटली एंड रिप्लेस नेचुरली. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं और नेचुरली ये जो है रिप्लेस्ड हो जाते हैं, यानी खुद अपने आप इनमें दोबारे बनने की क्षमता होती है. सोलर एनर्जी, वाटर और ऑक्सीजन. यानी आप देखेंगे सोलर एनर्जी हम डेली सोलर एनर्जी हम डेली यूज करते हैं, बट वो अपने आप ही क्या है? रिन्यूएबल है. वाटर है, जैसे हमारा कंजप्शन होता है वाटर का, बट हम लोग खुद नहीं बनाते उसको, उसमें नेचुरल अपना प्रोसेस है कि वाटर जो है खुद अपने आप बन जाता है. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो बहुत लंबा टाइम लेते हैं बनने में, और ये रिसोर्सेज जो हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्मेशन में, जैसे फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स हैं. आप देखते होंगे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या करते हैं? इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इनके बनने में. तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि अगर एक बार ख़त्म हो गए तो उतना ही टाइम लगेगा इनको फिर से बनने में, तब तक कि मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे तब जाके ये कहीं रिन्यूएबल होंगे. तो इसलिए इनको हम काउंट करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, क्योंकि तब तक हम नहीं होंगे और पता नहीं जनरेशन कहाँ होगी. बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल. ऐसे रिसोर्सेज जो प्राइवेटली यानी किसी एक व्यक्ति की संपत्ति है, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की जो संपत्ति है वो हो गए इंडिविजुअल रिसोर्सेज. जैसे क्या कि गांव में आप देखते होंगे लोगों के पास जमीनें हैं, हमारे जो सिटीज हैं उनमें लोगों की अपनी जो घर हैं, प्लॉट्स हैं, जो भी उसकी अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो आगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज में. कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज
आर असेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, बुरियल ग्राउंड्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं. पब्लिक पार्क्स क्या होते हैं कि एक एक किसी एरिया के पास कोई पब्लिक पार्क होगा तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वहां उस एरिया के जितने भी लोग हैं वो उस पब्लिक पार्क में जा सकते हैं. बुरियल ग्राउंड जैसे शमशान घाट है, तो उस एक पार्टिकुलर एरिया के पास आप देखते होंगे पूरी एक एरिया में कोई ना कोई शमशान घाट होता है, तो उस शमशान घाट में उस पूरी एक कम्युनिटी यानी पूरे एक एरिया के लोग वहीं जाते हैं. ग्रेजिंग ग्राउंड जैसे गांव में होते हैं आसपास के, जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वो पूरी एक कम्युनिटी की जो है असेस है, किसी पर्सनल की ऑनरशिप नहीं है, यानी किसी पर्सनल का वो उस पर अधिकार नहीं है, पूरी कम्युनिटी का अधिकार है. तो वो क्या है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय ए नेशन और कंट्री. किसी एक राष्ट्र या किसी एक देश के जो रिसोर्सेज हैं, जिस पर एक ही देश का जिसका अधिकार है, वो क्या है, नेशनल रिसोर्सेज. जैसे एक ही कंट्री में मिलने वाले जो मिनरल्स है, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, लैंड विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज. पॉलिटिकल बाउंड्रीज के मतलब एक कंट्री का जियोग्राफिकल जो एरिया है वो, एंड ओशनिक कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर. ओशनिक कोस्ट भी यानी कितने, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आपको 22.2 किमी तक, यानी एक कंट्री उसके आसपास 22.2 किलोमीटर जो तक जो ओशनिक एरिया है वो उस कंट्री का जो है पर्सनल समझ लीजिए, उस कंट्री का वो एरिया है. देयर इन बिलोंग टू द नेशन, जैसे रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज एसेट्रा. यानी एक कंट्री के अंदर आने वाले जितने भी जो रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, रेलवेज हैं, फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं और मिनरल्स हैं, जितनी भी वाटर रिसोर्सेज हैं, ये सब क्या हैं, नेशनल रिसोर्सेज यानी उस कंट्री के रिसोर्सेज हैं, नेशनल रिसोर्सेज. जैसे इंडिया में जितनी भी फॉरेस्ट होंगे और जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं, कैनाल्स हैं और जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, वो किसकी प्रॉपर्टी हुए, इंडिया की, यानी वो इंडिया के नेशनल रिसोर्सेज हैं. इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट किया गया, यानी उसको व्यवस्थित किया गया. द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियंस एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है कि 200 नॉटिकल माइल से आगे, यानी किसी कंट्री का 200 जो है मील से आगे का जो एरिया है वो किसी इंडिविजुअल कंट्री के अंदर नहीं आता, उस पर वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है. यानी हर कंट्री का वो एक रिसोर्स है और उसको विदाउट कंक्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कोई भी पर्सनली यूटिलाइज उसको नहीं कर सकता, यानी वो सबका है. कहने का मतलब कि जितनी भी जो ओशीन है और किसी एक पार्टिकुलर या जितनी भी कंट्रीज से वो टच होते हैं, जो कंट्रियां उनसे टच होती हैं, उसका एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उन्होंने कि 200 मीटर तक जो है ये इस कंट्री के अंदर आता है ओशीन, 200 मीटर तक वो उस कंट्री के अंदर आएगा, उसके बाद का जो ओशीन है वो क्या है, इंटरनेशनल है, सबका है, वो उस पे कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता कि जी अब ये हमारा है. बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब विकास के आधार पर जो है वो रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं, पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, स्टॉक हो गया और रिजर्व हो गया. कितने टाइप्स हो गए, 4 टाइप्स हो गए. बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का स्टेटस के जो है बेस पर रिसोर्सेज 4 टाइप्स के हैं. इसके सब कैटेगरीज आ जाती हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स. पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज. ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक क्षेत्र में पाए तो जाते हैं पर अभी क्या है, यूटिलाइज नहीं हो रहे. जैसे राजस्थान और गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर. राजस्थान और गुजरात में जो है सोलर और वन दोनों, विंड एनर्जी दोनों की जो है
इनॉर्मस पोटेंशियल है, यानी वहां बहुत अच्छी वो हो सकती है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी. बट क्या हुआ, सो फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली. लेकिन अभी क्या है, वहां इसका यूज जो है प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है. डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. ऐसे रिसोर्सेज जो पूरी तरह डेवलप्ड हो गए हैं और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइंड की हुई है, यानी हमें पता है कितनी क्वांटिटी है इनकी अपनी उसमें एरिया में और कितनी क्या क्वालिटी है उसकी यूटिलाइजेशन की. तो वो रिसोर्सेज होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप्ड हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइंड है यूटिलाइजेशन के लिए. स्टॉक मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दीज आर कॉल्ड स्टॉक. स्टॉक क्या है, भंडार बोल देते हैं जिन्हें. मटेरियल इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऐसे मटेरियल जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड कर सकते हैं बट ह्यूमन बींग्स के पास ऐसे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन रिसोर्सिस को अभी यूज कर सके. तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्टॉक. यानी हमें पता है ये रिसोर्सिस हैं और ये यूज आ सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग, ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं. बट प्रेजेंटली हमारे पास जो है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन रिसोर्सिस को हम एग्जॉस्ट कर सकें, उनका यूज कर सकें. जैसे हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज इट. हाइड्रोजन जो है एनर्जी का रिच सोर्स है, लेकिन हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका यूज कर सकें. रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या है, आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक्स. स्टॉक का ही सबसेट है ये, विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिटिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड. रिजर्व्स ऐसे भंडार हैं जिनको हमें पता है कि इसको यूज कैसे करना है, लेकिन अभी इनका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है. दिस कैन बी यूज फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए इसको यूज हम कर सकते हैं. वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, हम जहाँ हमें पता है रिजर्व्स हैं बट हम इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं. एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ. चैप्टर हमारा रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेस सिंपल उसमें याद रखिएगा बेटा. एवरीथिंग इन आर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आर नीड. एनवायरमेंट की हर वो चीज जो हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती है रिसोर्सेज है. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन फोर पार्ट्स में है. फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल. ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें भी फिर फोर पार्ट्स हैं, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व्स. बायोटिक विच हैव लाइफ, ऐसे याद रख लीजिए. एबायोटिक विच हैव नॉन लिविंग थिंग्स, यानी अबायोटिक क्या है, जिसमें लाइफ नहीं है. नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो क्या है, अबायोटिक है, रॉ मेटल्स है. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस से दोबारे से क्रिएट हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो जिनको रिप्लेस होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है, यानी वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं. ऑनरशिप, बेसिस ऑफ ऑनरशिप में इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इसके भी फोर सब पार्ट्स हो गए. इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति की जो संपत्ति है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज एक पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की जो भी असेस्ट है वो क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, जैसे पब्लिक पार्क हो गया, बुरल ग्राउंड हो गया, एक्सेट्रा. नेशनल रिसोर्सेज एक पार्टिकुलर कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, लैंड है, रिवर्स हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, कैनल्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, रोड्स हैं, ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेज हैं. इंटरनेशनल रिसोर्सेज
ऐसे रिसोर्सेज जो सबके हैं, इंटरनेशनल है, वो क्या इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे ओसीन है, 200 किलोमीटर माइल से आगे का जो ओसीन है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ सकते हैं। बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में इसमें भी 4 पार्ट्स है, मतलब पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, स्टॉक हो गया और रिजर्व हो गया। पोटेंशियल कौन से हैं, आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक रीजन में, एक क्षेत्र में है बट अभी क्या है, यूटिलाइज नहीं हो रही, जैसे राजस्थान और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है, वो रिसोर्सेज जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है डिटरमाइंड है यूटिलाइजेशन के लिए, वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक ऐसे मटेरियल जो एनवायरनमेंट में है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं बट हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन रिसोर्सेज को हम अभी यूज करें, तो इन्हें बोला जाता है स्टॉक। जैसे हाइड्रोजन जो है वो रिसोर्स है एनर्जी का, हाइड्रोजन का एनर्जी जो है, बट अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे यूज कर पा रहे हैं। रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या है, सबसेट है स्टॉक का विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो ऐसे, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, कि नो ना हो कैसे यूज करना है ये हमें पता है, लेकिन अभी इनका जो यूज है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। दिस कैन बी यूज फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर में हम इनको यूज कर सकते हैं। वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा जो है इसी का यूज है। रेस्ट चैप्टर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।